बच्चों, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। आधुनिक काल में टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई है, परंतु इसका महत्व नहीं घटा है। आज भी हमें विद्यालय में अवकाश लेते समय आवेदन पत्र अथवा किसी समस्या से अवगत कराने के लिए अन्य पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये लिखित व स्थायी दस्तावेज होते हैं। बच्चों, पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो, हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं। एक, अनौपचारिक या निजी पत्र। ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का ब्यौरा यानी वर्णन होता है। दो, औपचारिक पत्र। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे एक, प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र। नंबर दो, व्यावसायिक पत्र। ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे। हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली व हस्ताक्षर। दो पंक्तियां छोड़कर प्रापक का नाम व पता। औपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रेषक का पता व दिनांक, पत्र प्रापक अधिकारी का पदनाम व पता, विषय संबोधन, विषय वस्तु। प्रथम अनुच्छेद अपनी समस्या का विवरण, द्वितीय अनुच्छेद अधिकारी से अपेक्षा, समापन। हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली व हस्ताक्षर। नाम, बच्चों, विशेष। कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर कक्षा अथवा परीक्षा भवन व नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। बच्चों, पत्र में संबोधन, अभिवादन व समापन के लिए चार्ट को देखें। संबोधन, अभिवादन व समापन। पत्र का प्रकार। नंबर एक, अनौपचारिक पत्र, संबंध बड़ों को। संबोधन, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य आदि। अभिवादन, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। समापन, आपका बेटा, पोता, नाती, भतीजा आदि। संबंध, छोटों को। संबोधन, प्रिय,
या नाम आयुष्मान और नाम चिरंजीव, नाम अभिवादन, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। समापन, तुम्हारा शुभचिंतक, शुभकांक्षी आदि। संबंध, मित्र को। संबोधन, प्रिय, नाम प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि। अभिवादन, मधुर स्मृतियां, सप्रेम नमस्ते आदि। समापन, तुम्हारा हितैषी, अभिन्न मित्र, चिरस्नेही आदि। नंबर 2, औपचारिक पत्र या प्रार्थना पत्र। संबंध, प्रधानाचार्य। संबोधन, मान्यवर, माननीय, महोदय। समापन, भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, शिष्य आदि। व्यवसायिक पत्र, संपादक, पुस्तक विक्रेता या अन्य, श्रीमान, श्रीयुत, भवदीय, निवेदक। कार्यालयी पत्र, अधिकारी, आदरणीय, मान्यवर, महोदय। समापन, भवदीय, प्रार्थी, विनीत, निवेदक। बच्चों, अब पत्रों के दोनों प्रकार के एक एक उदाहरण देखिए। 1, अनौपचारिक पत्र, अपने छोटे भाई को पशु पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार करने की सीख देते हुए पत्र लिखिए। डीपीएस छात्रावास, डीपीएस पिंजौर, दिनांक 2 मई 2012। प्रिय मृदुल, सदा सुखी रहो, मैं यहाँ सकुशल हूँ और सदा ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। माँ पिताजी कैसे हैं? पत्र के उत्तर में लिखना, पिछले दिनों पिताजी का पत्र आया था। उन्होंने यह लिखा था कि तुम्हारा व्यवहार पशु पक्षियों के प्रति अच्छा नहीं है। तुम्हें आजकल उन्हें सताने में, पकड़ने में आनंद आने लगा है। भाई, यह सोचो, यदि कोई तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पशु पक्षियों में भी जान होती है, उन्हें भी दर्द का अनुभव होता है, वे बोल नहीं पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें दुख या दर्द नहीं होता। यदि तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। प्राणियों को सताना छोड़कर उनकी देखभाल करो। आशा करता हूँ कि आगे से तुम अच्छा व्यवहार करोगे। माता पिताजी को मेरा प्रणाम बोल देना। अपना ख्याल रखना। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा भाई कर्ण। प्रेषक, प्रापक, कर्ण, डीपीएस पिंजौर। प्रापक, कुमार मृदुल, F31 चांदनी चौक, नई दिल्ली 110006।